हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और साथ ही बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। नए जरिए कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों ने ठुकराई हुकूमत की तहरीरी पेशकश, हुकूमत को सौंपा जवाब का पेशकश में नहीं है कोई नई बात। देहरी नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला सरात को आज पूरी तरह बंद करेंगे एहतजाजी किसान। हुकूमत पर लगाए आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का इल्जाम। आज 21वें दिन में दाखिल हो चुका है किसानों का आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किसानों के एहतजाज से जुड़ी अर्जियों पर आज होगी समाअत। एक अर्जीगुजार ने सरहद पर जमा किसानों को हटाने का किया है मुतालबा, तो किसानों के मुतालबात की हिमायत और दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत को लेकर भी अदालत में दाखिल की गई अर्जी। दिल्ली यूपी सरहद पर किसानों के हिमायत में साबिक फौजी जवानों ने भी शुरू किया एहतजाज। किसानों के साथ होने का किया ऐलान। नए जरिए कवानीन को किसान मुखालिफ बताकर वापस लेने का हुकूमत से किया मुतालबा। मुल्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स यूनियन के 5000 नर्सिंग स्टाफ ने वापस ली अपनी हड़ताल। हॉस्पिटल इंतजामिया की अपील और हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एहतजाजियों ने लिया फैसला। अपने 23 मुतालबात को लेकर पिछले दो दिनों से स्ट्राइक पर थे नर्सिंग स्टाफ। एक हफ्ते में मुख्तलिफ मुज़ाकरात मुनाकिद करके मामले के हल की हॉस्पिटल इंतजामिया और वजारत सेहत ने कराई है यकीनदानी। अलीगढ़ में दोस्तों को शादी की पार्टी न देना दूल्हे के लिए पड़ गया महंगा। शादी के कुछ ही घंटों बाद दोस्त ने दूल्हे को चाकू घोंप कर उतारा मौत के घाट। दूल्हे ने पार्टी देने से किया था इनकार। दोस्त ने शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। दीगर मुलजिमीन की जारी है तलाश। मुल्क भर में मनाया जा रहा है आज विजय दिवस। 1971 की जंग में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मिली शानदार जीत को किया जा रहा है याद। जंग में फौत होने वाले फौजियों को नेशनल वॉर मेमोरियल में वजीर आजम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पेश किया खराज अकीदत। स्वर्णिम विजय मशाल को भी किया गया रोशन। शुमाली हिंदुस्तान में ठंड ने ढाया कहर। महकमे मौसमियात ने अगले दो दिनों में मजीद ठंड बढ़ने की दी पेशगोई। घने कोहरे में छुप गया दिल्ली समेत कई एक शहर। 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह हो रही है मुतासिर। लोगों की बढ़ गई मुश्किलात। नए सदर के इंतखाब के बाद भटकल तालुका जाली पंचायत में मुनाकिदा पहली मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। पंचायत इलाकों में 200 करोड़ की लागत के साथ तामीर किए जा रहे यूजीडी मंसूबे पर रोक लगाने के लिए मंजूर की गई मुत्तफिका करारदाद। ठेकेदार कंपनी इंजीनियर से बोले अराकीन। वाटर बोर्ड की तरफ से इत्मीनान बख्श तकनीकी तफसीलात फराहम किए जाने तक नहीं करने देंगे मंसूबे पर काम। यूजीडी मंसूबे की तकमील के बाद सिर्फ निगरानी के लिए पंचायत की तरफ से 5% रकम का वाटर बोर्ड ने किया था मुतालबा। आने वाले 10 वर्षों में भी पंचायत के पास इतनी ज्यादा रकम जमा न होने का हवाला देकर अराकीन ने तशवीश का किया इजहार। बोले अराकीन ने पंचायत मंसूबे की मुकम्मल वजाहत के बाद ही शुरू किया जाए काम। कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ के बेलतंगड़ी में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। किराए के मकान में जिस्म फरोशी का चलाया जा रहा था कारोबार। मौके से 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तहवील में ली गई 2 खवातीन मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। सैलाब और तुगयानी से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने जिला उड़पी पहुंची मरकजी हुकूमत की सर्वे टीम। 323 करोड़ के नुकसान होने का डिप्टी कमिश्नर जी जगदीश ने दी जानकारी। कहा 77 देहात सैलाब से हुए मुतासिर। 827 खानदानों के 2874 अफराद का किया गया रेस्क्यू। मछलियों को ताजा रखने इस्तेमाल किए जाने वाले जहरीले केमिकल फार्मोलिन को लेकर जिला उड़पी के डिप्टी कमिश्नर ने दी सख्त वार्निंग। बोले डीजी इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। सामाजिक कारकुनान ने भी एक दिन कबल मेमोरेंडम सौंप कर डीसी को दिलाई थी तवज्जो। फौरी कार्रवाई का किया गया था मुतालबा। भटकल तालुके के ग्राम पंचायत इलेक्शन में दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में उम्मीदवार खातून का किया गया अगवा। आइन वक्त पर पर्चा नामजदगी वापस लेने पहुंची थी उम्मीदवार खातून। पंचायत में दाखिल होते ही उम्मीदवार खातून का अगवा करके कार में ले चले शरपसंद। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस बनी रही तमाशबीन। सियासी हलकों में मची खलबली। पुलिस बंदोबस्त पर उठाए जा रहे हैं सवाल। ब्रिटेन में कोविड-19 की नई किस्म पाए जाने का दावा। लंदन समेत आसपास के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन का किया गया ऐलान। न्यूजीलैंड में भी 5 हफ्तों के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन। कोरोना वायरस की रोकथाम का दिया गया हवाला।